प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की अपील, बूके की जगह हो बुक का इस्तेमाल। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आयोजित अनुभूति आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे वन मंत्री विजय शाह। आयोजन के तहत स्कूली छात्रों को कराया गया पार्क भ्रमण, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, जंगल और वन्य जीवों की महत्ता और आवश्यकता की प्रदान की गई जानकारी। स्कूली छात्रों के साथ जमीन में बैठकर किया भोजन, छात्रों को सुनाए बंदर, भालू, चील और हिरण के किस्से। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शनिवार को अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वन मंत्री शामिल हुए। आयोजन के तहत 100 स्कूली छात्रों को प्रातः बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें जैव विविधता, जंगल, पर्यावरण की आवश्यकता और उसके महत्व को बताया गया। मैं गई पार्क के अंदर तो मेरे को मतलब कि डियर दिखाई दिया और पेड़ पौधे, मतलब कि हर कुछ दिखाई दिया और टाइगर का पंजे दिखाई दिया और मेरे को इस अनुभूति कार्यक्रम से बहुत अच्छा लगा। देखिए, जीवन में ये अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से वन विभाग पर्यावरण को लेकर के, वनों को लेकर के और हमें कैसे जीना है, दूसरों के लिए जीना है और सामाजिक प्राणी बन करके हमें बुजुर्गों की मदद करना है, समाज में अच्छा नाम कमाना है, सारा अनुभूति के माध्यम से हम प्रेरणा देते हैं। और आज बच्चों से मिलके हमें न सिर्फ अपना बचपना याद आया, बल्कि हमने बहुत कुछ अपेक्षा करी कि समाज में हम अगर 550 लीटर पर डे ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा फर्ज है कि जितना ऑक्सीजन हम पर डे लेते हैं उतना ऑक्सीजन हम भविष्य के लिए छोड़ जाएं। तो रोज़ पौधा एक नहीं लगा सकते, तो कम से कम अपने जन्मदिन पर अगर एक पौधा लगाएंगे तो 70-75-80 साल में इतना ऑक्सीजन हम पैदा कर जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी को जितना हमने खाया है उससे डबल हम दे जाएंगे। केवल एक